और मध्य प्रदेश की खबरों में सबसे पहले खबर शाजापुर जिले के शुजालपुर से, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। बंदूक और धारदार हथियारों का इसमें इस्तेमाल हुआ। तीन युवकों की मौत हो चुकी है जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस खबर पर बात करेंगे स्थानीय संवाददाता पुरुषोत्तम परवानी से। जी बताएं, कैसे आज ये इतना बड़ा विवाद हो गया? बस आधे घंटे पहले की काला बीबल थाना अंतर्गत ग्राम खेरखेड़ी है, यहाँ पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए और करीब आधे घंटे तक खुलकर बंदूकों का और धारदार हथियारों का उपयोग हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से लोगों को घायल होने की खबर है, लेकिन ईटीवी को जो अधिकारियों ने आधिकारिक पुष्टि की है उसके हिसाब से रहमतुल्ला आजाद का और महमूद का सहित तीन लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हुई है और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। काला पीपल पुलिस अभी घटनास्थल पर पहुंची और प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर के ये एक ही परिवार के दोनों पक्ष हैं और ये आपस में भिड़ गए। जी पुरुषोत्तम, ये जो मृतक लोग हैं जिनके बारे में पुलिस बता रही, क्या बता रही, किस पक्ष के लोग थे और फिलहाल वहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं? दीपेश जी, वहाँ पुलिस पहुंची और पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि वहाँ काफी तनाव है पूरे गांव में, खेरखेड़ी गांव के आसपास अन्य गांव भी लगते हैं, काफी वहाँ भीड़ बनी हुई है और पुलिस अभी शवों को लाने के लिए इंतजाम में जुटी हुई है। और सीधा सीधा ये जो मामला है ये जमीन विवाद को लेकर है और पहले दिन दोनों पक्षों में पहले भी कई बार सामान्य रूप से विवाद हुए थे, लेकिन आज ये घटना बड़ी गंभीर रूप घटना ने बड़ा गंभीर रूप ले लिया और तीन लोगों की मौत हो गई। पुरुषोत्तम शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जमीन विवाद वजह बताई जा रही है। पहले भी विवाद होते रहे थे लेकिन आज ये विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और जमकर फायरिंग हुई। वहां पर धारदार हथियार चले, तीन लोगों की मौत हो चुकी है जबकि तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर इंदौर में महू